कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आजम खान से मिलने वो सीतापुर जेल पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर तैयारियां हो गई, वहां जेल प्रशासन से बातचीत हुई, आप लोग निकल रहे हैं यहां से मिलने के लिए? नहीं, हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन वहाँ जो कोरम होता है जो उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन और उनको मेल दोनों कल ही कर दिया था और उस पर हम लोगों ने आज उनसे परमिशन के लिए कहा हुआ है और निश्चित तौर से उनको परमिशन देना चाहिए मिलने के लिए, हम लोग उस पर जा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि आजम खान उधर से मना कर देंगे मिलने के लिए, इस तरह की कोई बात होगी तब? अब उस तो जब वहाँ जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो फिर प्रयास करेंगे हम लोग जाने का, मिलने का। अभी प्रशासन क्या कराता है, क्या बोलवाता है, सरकार किस दबाव में लेती है, वो तो अब वहाँ पर जाने पर पता लगेगा, पर हम लोग मिलने जा रहे हैं। इस मूव को इस तरह भी देखा जा रहा है कि उधर इमरान मसूद को और फिर अब आजम खान की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है मुस्लिम वोट बैंक के चलते? नहीं, इमरान मसूद हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, हमारे साथ रहे, तो उनका स्वागत है, हम लोगों ने उनको लिया। और आज जो आजम खान साहब के साथ है, पूरा परिवार परेशान है, उनकी बीवी अलग जेल में है, उनके बेटे अलग हैं, उनको अलग रखा, पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये दुख की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनको संबल प्रदान करने के लिए, बल देने के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अब सीज फायर करा दिया, आपको लगता नहीं ये कदम कहीं गठबंधन, इंडिया गठबंधन में वो गांठ खोल देगा समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, हम सब लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य भाई सामाजिक व्यक्ति कोई है और अजय खान साहब से पुराने रिश्ते रहे हमारे, वो जब मैं विधायक था और भाजपा का मिले था, मंत्री थे, तभी हम लोगों ने उनसे जाकर अपना काम कराया, तो निश्चित तौर से हम लोग का कर्तव्य बनता है कि जो व्यक्ति हमारे लिए दो कदम चला तो उसके इस दुख की घड़ी में जरूर खड़े रहे। एक पोस्टर लगा हुआ है कार्यालय के बाहर आपका, आपको मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री दर्शाते हुए। मुझे नहीं, मैं जानकारी में नहीं है, ना मैंने देखा है, पर कार्यकर्ताओं की भावना है, उन्होंने अपनी भावनाओं के अनुरूप काम कार जो किया है। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, 24 में भी पहले भाजपा को हटाएंगे, राहुल गांधी को बनाएंगे, उसके बाद फिर जो निर्णय पार्टी करेगी, जो सोचेंगे उस तरह से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे जो बता रहे थे कि प्रशासन से परमिशन मांगी गई और वो यहाँ से जाएंगे मुलाकात करने, वहाँ क्या होगा वहाँ तय किया जाएगा। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।